नमस्कार, आप सभी को दिवाली की कोटि कोटि शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। क्योंकि आज से क्या है कि हमारा जो क्लास जो है वो बंद होने वाला है और हम फिर 19 तारीख से वापस अपनी क्लास लेना शुरू करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में, और हम BA पार्ट 2 के अंदर फोक्स प्रो पढ़ रहे हैं। अभी दिवाली का समय आ चुका है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लेट ग्रुप ज्वाइन किया है, फिर बहुत लेट से पढ़ाई शुरू की है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा बिफोर दिस हॉलीडेज। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जीवन के अंदर अभी तक जो कार्य नहीं कर पाए हैं, जो भी आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, जो भी क्लासेस नहीं देखे हैं, वो आपको इन दिनों के अंदर ज़रूर देखना है। क्यों? क्योंकि कोविड के चलते बाहर जाना नहीं है, क्योंकि दूसरी और तीसरी लहर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत गलत तरीके से लोगों को इम्पेक्ट कर रही है, तो आपको बाहर नहीं निकलना है, बहुत ढंग से घर पर रह के सेफ दिवाली खेलनी है अपने को और फटाखों से भी दूर रहना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आज की जो क्लास है उसके अंदर हम रिविज़न करने वाले हैं। किस चीज़ का रिवीजन? कि जो भी हमने आज तक पढ़ा है उन सभी चीज़ का हम रिवीजन करेंगे, ताकि दिवाली के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, पिछले वीडियोस देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था? फोक्स प्रो एक DBMS, ये आपका सब्जेक्ट था कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डाटा क्या होता है, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या, डाटा क्या होता है कि कोई भी इनपुट दी हुई चीज़ जो कि इंफॉर्मेशन है, फिर रॉ डेटा है, उसे हम क्या कहेंगे? डेटा। अब डेटा को जब हम प्रोसेस कर रहे थे, उसको हम कहीं स्टोर कर रहे थे, उसका हम यूज़ ले पा रहे थे, उसको हम क्या कह रहे थे? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे थे। और फोक्स प्रो क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है। फोक्स प्रो की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे किया गया उसको, किसने डेवलप किया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार से फोक्स प्रो को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट फोक्स विजुअल फोक्स प्रो 6.0 हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे को क्या खुलेगा? एक फोक्स प्रो का एनवायरनमेंट खुल जाएगा। उसके अंदर किस किस प्रकार से काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक विंडो बनी हुई थी, उसको हमने देखा, अलग टाइप से देखा कि किस प्रकार से उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, हमने एक सॉफ्टवेयर तो ओपन कर लिया, अब क्या करना है? कोई भी डेटाबेस की पहली कड़ी जो क्या होती है, वो होती है उसकी टेबल। टेबल बनाना आपको सबसे पहले सीखना जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि उसके अंदर क्रिएट टेबल नाम की एक हम कमांड का उपयोग करते हुए टेबल को बना रहे थे, टेबल को बंद कर रहे थे अलग अलग तरीके से, उसको कैसे वापस ओपन कैसे करना है। जैसे मैंने 10 टेबल बनाई, एक टेबल बनाई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अब मुझे वापस पहली वाली को यूज लेना है, तो मैं उसको ओपन कैसे करूंगा, वो था ओपनिंग टेबल। उसके बाद हमने देखा कि हम किस प्रकार से उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। भाई चलो टेबल तो बना ली, अगर इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है, डाटा नहीं है, तो फिर किस काम की है टेबल? तो हम उसके अंदर डाटा रिकॉर्ड कैसे कर रहे थे वो देखे। फिर हमने देखा कि उसके अंदर जो डाटा है उसको लिस्ट कैसे करवाएंगे, तो हम लिस्ट कमांड का देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि हमें किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर जाना था, जैसे मुझे 100 लोगों की लिस्ट है, मुझे 51 नंबर इंसान के या फिर 51 नंबर व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को चेक करना था, तो हम गो टू कमांड का उपयोग कर रहे थे। उसके बाद हमने डिस्प्ले कमांड का उपयोग किया। उसके बाद में हमने इंसर्ट कमांड का उपयोग किया, इंसर्ट करके हम उसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे डाटा। एडिट कमांड का उपयोग किया, फिर हमने क्या किया, डिलीट कमांड का उपयोग किया, और पेक कमांड का उपयोग किया। पेक को डिलीट में क्या होता है, डिलीट के लिए वो उसको सेलेक्ट करता है, पेक में वो डिलीट कर देता है। रिकॉल का हमने कमांड का उपयोग किया, जब हम डिलीट करते हैं तो हम रिकॉल कर सकते हैं, जब हम पेक करते हैं रिकॉल नहीं कर सकते। जेप कमांड का उपयोग किया, उसके बाद हमने ब्राउज करने के लिए उपयोग किया, उसके बाद लोकेट कमांड कि कहाँ पर ये डाटा पड़ा है, इस चीज़ को लोकेट करने के लिए। उसके बाद रिप्लेस कमांड कि एक जगह से दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर दीजिए। स्किप कमांड कि भाई तीन रिकॉर्ड्स को छोड़ दीजिए, उसके आगे बढ़िए, जंप लगाना, उसे हम क्या कहेंगे, रिप्लेस कमांड या सॉरी स्किप कमांड। उसके बाद डिस्प्ले स्ट्रक्चर कि आपकी जो टेबल बनी हुई है वो किस प्रकार से, उसके अंदर क्या क्या नाम पूछ रहा है, वो क्या वो रोल नंबर, नाम, क्लास, ऐसा कुछ पूछ रहा है, फिर क्या क्या पूछ रहा है, तो वो चीज़ पता करने के लिए हम क्या देख रहे थे, डिस्प्ले स्ट्रक्चर कमांड। उसके बाद हम देखते हैं मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड कि भाई मुझे अब जो टेबल है उसको कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई करना है, तो हम क्या कर रहे थे, उस टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड का उपयोग कर रहे थे। डायरेक्टरी जानने के लिए हम DIR का प्रयोग कर रहे थे, DIR कमांड उसका प्रयोग करते हुए हम उसकी डायरेक्टरी को जान पा रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा,
कॉपी स्ट्रक्चर टू कमांड, हम एक नई ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं जो पहले के जैसी ही हो, तो हम क्या कर रहे थे, उसका स्ट्रक्चर कॉपी करके इसमें कॉपी कर रहे थे, उसका स्ट्रक्चर उठा के इसमें कॉपी कर रहे थे, तो वो कैसे करेंगे हम, कॉपी स्ट्रक्चर टू इस कमांड का उपयोग करके। अगर उसके डेटा को हमें अगर कॉपी करना हो तो हम क्या करेंगे, कॉपी टू, अपेंड फ्रॉम, कहीं और से डेटा उठा के इसके अंदर डालना हो तो हम अपेंड फ्रॉम का उपयोग भी कर रहे थे, और रीनेम कमांड से क्या कर रहे थे, हम उस टेबल का नाम को चेंज कर पा रहे थे। उसके बाद हमने बात की डिलीट फाइल, कि डिलीट फाइल क्या होती है, फाइल को डिलीट कैसे किया जाएगा, उसका प्रयोग हम देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि वेरिएबल्स या फिर एरे क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि मेमोरी वेरिएबल्स होते हैं कि अलग अलग टाइप के, जैसे एक वॉस टू टू, ये क्या है आपका वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर चीजें हम चेंज कर सकते हैं, एक ही जगह मैं पांच भी लिख सकता हूँ, सात भी लिख सकता हूँ, दस भी लिख सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क कब आता है ये आपको समझाया गया, किस प्रकार से इनको यूज लिया जाता है। डिस्प्ले मेमोरी, मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या कर रहे थे, डिस्प्ले मेमोरी कमांड का उपयोग कर रहे थे। हम देख रहे थे कि एरे क्या होता है, एरे होता है एक ही टाइप की चीज, एक ही टाइप का डाटा, उसको हम एक लीनियर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको हम क्या कह रहे थे, एरे कह रहे थे। एरे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, 1D और 2D। 1D मतलब सिर्फ रो का या फिर सिर्फ कॉलम का, 2D में क्या होता है, रो और कॉलम दोनों होता है, तो 2D हो गया उसका। उसके बाद होता है सॉर्ट, उस एरे को सॉर्ट करने के लिए, एरे को अपने हिसाब से डाटा सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, ए सॉर्ट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। शटर एंड गेदर कमांड है, इसको हमने आपको अच्छे से इसका डिफरेंस भी समझाया था और उसको कैसे यूज लिया जाता है ये भी समझाया था। उसके बाद आए थे हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जिनका उपयोग करते हुए हम फॉक्स प्रो के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो उसमें कुछ टाइप के फंक्शन थे, मैथमेटिकल, कैरेक्टर फंक्शन, डेट फंक्शन, टाइप कन्वर्सन फंक्शन, डेटाबेस फंक्शन और अदर फंक्शंस, ठीक है। उसको हम किस किस प्रकार से यूज ले रहे थे, उनको किस किस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम को अच्छा बेहतर बनाने के लिए यूज ले पा रहे थे, वो सब आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे ये लिखा हुआ है मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यूं कर देता हूं, या फिर ऐसे कर देता हूं, तो हमने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया, ये छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर, ये हमने सॉर्टिंग कर दी, तो अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित रूप में सेट करने को क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। और इसी की एक दूसरा पार्ट होता है, इसी की तरीका होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्सिंग कहेंगे। सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग में क्या अंतर है, इसके अंदर क्या यूजेस हैं, वो मैंने आपको समझाएं और बहुत अच्छे से समझाएं। इसके अंदर एक सॉर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम इंडेक्सिंग समझ रहे हैं। सिंगल इंडेक्सिंग फाइल थी कि सिंगल एक इंडेक्सिंग फाइल में हम कैसे कर रहे थे, री इंडेक्स कैसे करवा रहे थे जब आपको चीजें चेंज करनी थी। कंपाउंड इंडेक्सिंग फाइल क्या थी, कि उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड इंडेक्स फाइल बन रही थी, एक अलग से फाइल बन रही थी, वो एक था कि स्ट्रक्चरल तरीके से एक कंपाउंड इंडेक्सिंग फाइल उसके अंदर बन रही थी। उसके बाद हमने देखा कि फाइंड और सीक का प्रयोग, कि फाइंड का प्रयोग कब करते हैं और सीक का प्रयोग कब करते हैं। उसके बाद आपको समझाया गया कि सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग में अंतर क्या है, जिसको आपको जरूर 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 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि एनवायरनमेंट सेटिंग्स क्या होती है, किस प्रकार से हम सेट अल्टरनेट, सेट कैरी, सेट सेंचुरी, सेट करेंसी, सेट डेट, सेट डिफॉल्ट, सेट डिलीटेड, सेट डिवाइस, सेट एको, सेट एस्केप, सेट फंक्शन, सेट हार्स टू, सेट इंडेक्स, सेट मार्जिन, सेट नियर, सेट ऑर्डर, सेट प्रिंटर, सेट प्रोसीजर, सेट सेफ्टी, सेट स्किप, सेट स्टेटस बार, सेट स्टेप, सेट टॉक, इन सभी कमांड का प्रयोग करते हुए अपने को जो चीजें दिख रही थी, जो स्क्रीन पर जो चीजें मुझे दिख रही थी, जो मैं जहां पर काम कर रहा था, जो एनवायरमेंट मुझे दिख रहा था, मैं उसको परिवर्तित कर पा रहा था इसी की सहायता से, ये था। उसके बाद हमने देखा कि एक से अधिक जो डेटा फाइल्स हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है और उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि किसी वर्क एरिया में कोई दूसरी
जो टेबल को ओपन कैसे करते हैं वो मैंने बताया सेलेक्ट के माध्यम से। उसके बाद देखा आपको कि कस्टम स्क्रीन क्या होती है, ये सब आपको समझाया गया। एट द रेट से कमांड, एट द रेट क्लियर टू, एट द रेट गेट कमांड और रीड कमांड, इनपुट वैलिडेशन, इन सब चीज़ों का हमने ध्यान दिया। फिर फंक्शन कीवर्ड था, फिर एक पिक्चर कीवर्ड था, इन सभी चीज़ों का हमने उपयोग करते हुए इन सब चीज़ों को समझा। उसके बाद हमने शुरू की फॉक्स प्रो की प्रोग्रामिंग। ये फॉक्स प्रो के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं अपन, तो हमने देखा कि हम सबसे पहले एक विंडो खोलते हैं, वहां पर जो प्रोग्रामिंग विंडो है उसके अंदर से हम एक मॉडिफाई यूज लेते हुए एक नई फाइल खोलते हैं, यहां पर प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर उसको सेव करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बनाकर, फिर वहां पर डू करके फाइल का नाम करते हैं, तो वो चीज रन हो जाती है और अपना जो प्रोग्राम होता है वो रन हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि अपन यूजर से इनपुट कैसे ले पाते हैं, यूजर से जो इनपुट लेकर हम जो काम करते हैं वो कैसे कर पाएंगे। उसके बाद अपन ने देखा कि कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स कैसे डाले जाते हैं। भाई आपको कमेंट्स क्यों डालना जरूरी है, क्योंकि हालांकि आप इस पे काम कर रहे हो पर हो सकता है कल और व्यक्ति कोई काम करे, तो उसको आइडिया रहना चाहिए कि आपने किस किस तरीके से काम किया और किस चीज़ का क्या मतलब है, ये समझाने के लिए आप कमेंट्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स चल रहे थे जिनके अंदर इफ एल्स, डू स्टेटमेंट, लूपिंग और आगे जो भी अपने फंक्शन आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। इफ एल्स में क्या था, अगर या मगर, ये चॉइस है तो ये कर दो नहीं तो वो वाला काम कर दो। लूपिंग में क्या था, इस काम को तब तक करते रहो जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये सारी चीजें चल रही थी। अब अपन देखते हैं आपको कि कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे ही खत्म होंगे आपके दो तीन टॉपिक बचेंगे कि रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, डीबगिंग कैसे की जाती है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। आई होप आप सभी लोगों को आज तक जो भी पढ़ाया गया है वो सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो दिवाली का बहुत ही अच्छा मौका है, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं है आप उसको बुक के साथ लेके बैठें, अपने वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दिवाली के छुट्टियों में भी आप कभी भी मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। आई होप आपको ये दिवाली बहुत ही मंगलमय हो, आपके और आपके परिवार को दिवाली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस बार दिवाली को मंगलमय तरीके के साथ में सेफ होकर भी खेलें। धन्यवाद, टेक केयर।